सरासर गलत। गोरखपुर के इन तस्वीरों को देखकर ग्रेट सेंट मेरी चर्च में दफन महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की आत्मा छटपटा गई होगी। जिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को लेकर उन्हें लोग याद करते हैं, आज वो फेल हो गए। डार्विन ने अपने सिद्धांत में कहा कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, जैसे वन मानुष से विकास होकर आज आधुनिक मानव में लोग तब्दील हो गए। लेकिन रील्स की इस दुनिया में आजकल रिवर्स एवोल्यूशन हो रहा है, यानी इंसान अब घूम कर वापिस पशु बन रहे हैं। यकीन ना है तो एक बार इस भाई साहब को देख लीजिए। इंसान रूप में इनका मन भर गया तो भाई साहब मिकी माउस बन गए। मिकी माउस तक तो ठीक था, लेकिन रील बनाने के चक्कर में कभी प्लेटफॉर्म तक कभी रेल के कोच में वीडियो बनाते दिखे। इस बात की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने कार्रवाई करने की ठानी, लेकिन शक्तिमान ही गंगाधर है ये पता ही नहीं चल रहा था। मिकी माउस के अंदर के इंसान को पहचानने के लिए पुलिस ने मुखबिर लगाया, लेकिन नासपीटे मिकी माउस को क्या पता था कि उसके पीछे पुलिस पड़ गई है। अपने आदत से मजबूर मिकी माउस रेलवे ट्रैक पर रील बना ही रहा था कि पीछे से पुलिस आ गई। जब तक मिकी माउस कुछ समझता, पुलिस ने उसे धर दबोचा, और जब मिकी माउस का घूंघट उठा तो अंदर से सूरज कुमार निकले, वो भी डेढ़ पसली के। इस घटना को लेकर रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने यूपी तक को बताया कि कंप्लेन मिलने के बाद आरपीएफ को कार्रवाई करने को कहा गया, जिसके बाद आरपीएफ ने युवक को गिरफ्तार कर इंडियन रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन के पास जो लेवल क्रॉसिंग है, वहां पे हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ कोई एक युवक जो है मिकी माउस का गेटअप पहन के वहां पर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने आरपीएफ को इसको दिया और आरपीएफ ने तुरंत तात्कालिक कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो उसको नामजद किया और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया और उसको लेकर आए, एंड फिर रेलवे एक्ट के जो धाराएं हैं उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया। कौन सी धारा लगाई? 145 रेलवे एक्ट की धारा है जो न्यूसेंस क्रिएट करता है उसके अगेंस्ट लगाई जाती है, वो धारा के अंतर्गत उसको बुक किया गया। हाँ, लड़के को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और उसके बाद उसको पकड़ा भी गया था और 145 के अंतर्गत उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। गोरखपुर से रवि गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।